प्यारे दोस्तों, आप लोगों को आज हम बताएंगे शबे बारात की नफल नमाज का तरीका। आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन आपको जैसा आज हम समझाएंगे वैसा आसान तरीके से कोई नहीं समझाया होगा। आज हम आपको हिंदी में लिखकर दिखाएंगे, जबकि स्क्रीन पर दिख रहा है, ताकि आपको आसानी हो सके समझने के लिए। 25 फरवरी एतवार के दिन रात में आपको ईशा की नमाज के बाद इन नफिल को अदा करना है। इन नफिल नमाज का क्या फ़ायदा है, इसको पढ़ने की क्या क्या फजीलत है, पूरी चीज़ आप इस वीडियो में सीख जाएंगे इंशाल्लाह। इससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो रात है ये बहुत ही ज़्यादा अफजल रात है और ये रहमतों बरकतों वाली रात है। लोग पूरे साल इस रात का इंतज़ार करते हैं। एतवार का दिन है, उस वक्त शबे बारात और शबे बारात की जो रात आएगी उसकी फजीलत की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, या अल्लाह जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तू अपनी रहमत से उन लोगों के साथ साथ हमें भी इस रात की रहमत और बरकत से माला माल फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें अपनी रहमत से नवाज। या अल्लाह अपनी हिदायत अता फरमा और सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें बुरी बातों से बचाए रख और फितनों से महफूज रख। या अल्लाह मुसलमान उम्मत को सलामती और खुशहाली अता फरमा। या अल्लाह हमें गुनाहों से तौबा और इस्तगफार की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें बेहतर लोग बनाने की तौफीक अता फरमा और इंसानियत की खिदमत करने की हमें हिम्मत दे। या अल्लाह हमें अच्छी सेहत, खुशियाँ और दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह जो लोग मुश्किलात और मुसीबतों में हैं उन्हें आसानी अता फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन, उस्तादों और हमें मदद करने वालों को अपने रहमत से नवाज। या अल्लाह हमें ताकत दे कि हम अपने गुनहगारों को माफ़ कर सकें और हम एहसान करने वालों में शुमार हो जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को एक लाइक करते हुए इस वीडियो को एक लाइक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका हम बताएंगे आपको। 25 फरवरी एतवार के दिन ईशा की नमाज के बाद ये नमाज यानी नफिल आप अदा करने वाले हैं और उसको जरूर अदा कीजिएगा। अब आप लोग समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। 25 फरवरी एतवार के दिन ईशा की नमाज से पहले यानी कि ईशा की अजान से पहले आप लोग गुस्ल करेंगे, और अगर आप लोग गुस्ल पहले से करे हुए हैं तब भी आप लोग गुस्ल करें, उसकी बहुत बड़ी फजीलत आती है। तो आप लोग ईशा की अजान से पहले पहले सभी लोग गुस्ल जरूर करें, फिर उसके बाद आप लोग ईशा की नमाज अदा करेंगे। जो हमारी माई बहनें हैं वो भी इन नवाफिल को अदा कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। ईशा की नमाज के बाद आप चाहे तो फौरन ये नमाज पढ़ सकते हैं या थोड़ी देर बाद भी पढ़ सकते हैं, इसका कोई खास वक्त नहीं। लेकिन फज्र की अजान से पहले पहले आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले दो रकात नफल नमाज अदा करनी है। तो अब किस तरीके से अदा करनी है, उसकी नियत यह है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको नियत करनी है। नियत की, मैंने दो रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप लोगों को नियत करनी है। अब आप अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध चुके हैं, तब आपको पहले रकात में आपको एक बार सना पढ़ना है जो सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका होता है। फिर उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे एक बार, यानी अल्हम्दु शरीफ आप एक बार पढ़ेंगे। फिर एक बार आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये दिख रही है, आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग 15 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और फिर उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब आपको एक बार सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है और फिर उसके बाद आप लोगों को एक बार आयतल कुर्सी पढ़ना है। फिर आप लोग 15 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे।
फिर आप लोग रुकू सजदा करेंगे और कायदे में बैठकर जो हम नमाज में पढ़ते हैं सेम वही पढ़ेंगे और फिर सलाम फेर लेंगे। तो ये हो गई दो रकात नफल आप लोगों की मुकम्मल। अब इतनी बात तो आप लोगों के समझ में आ गई होगी। सलाम फेर लेने के बाद फौरन बाद आप लोगों को 100 बार दरूद पाक पढ़ना है। जो भी दरूद पाक आपको याद होगा आप पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा उसकी फजीलत के बारे में जान लेते हैं। अगर आप 2 रकात नफल नमाज अदा करते हैं और 100 बार दरूद पाक पढ़ लेते हैं इस रात में तो उसके क्या क्या फायदे हैं हमें देखने मिलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो शख्स भी ये 2 रकात नफिल नमाज अदा करेगा और 100 बार दरूद पाक पढ़ेगा उसकी उम्र में अल्लाह तबारक व ताला बरकत अता फरमाएगा, यानी कि उसकी उम्र में बरकत होगी और उसकी रोजी में पूरे साल बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला। और उस शख्स के गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से और पूरे साल हर परेशानी से वो बचा रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।